नमस्कार, विंद भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की 97वें जयंती के उपलक्ष पर उनके अहमिया स्थित आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में उनके समर्थक और परिवार के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे रीवा जिले के प्रभारी भानु प्रताप के संगठन की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। आइए सुनते हैं विंद के कद्दार नेता रहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की श्रद्धांजलि में पहुंचे उनके प्रशंसकों और प्रभारी को। आज दादा जी का जन्मदिन का श्रद्धांजलि सभा है। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति की भी मदद करने के लिए स्वयं अपना एक दरबार लगाते थे, और उनके जीवन में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने गरीबों के और रीवा के आज जो भी विकास है, चाहे शिल्पी हो, चाहे संजय गांधी अस्पताल हो, चाहे बड़ी पुल छोटी पुल का उन्नयन हो, चाहे ITI हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सब, मतलब जितने उनके विकास के काम हुए हैं सब श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी दादा का ही है। और दादा के जन्मदिन पर हमको सबको संकल्प लेना है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें और रीवा ज़िले का विकास करें। ये हमेशा अमैया एक परिवार है जिन्होंने गरीबों के ही सतत संपर्क में लीन रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि रीवा में कांग्रेस का परचम लहराए। और मैं भी चाहता हूं कि दादा के आशीर्वाद को फलीभूत होकर 8 विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराए। जो माननीय अष्टम अपर जिला न्यायाधीश का आदेश था, उस आदेश के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय में शासन चला गया, अपील कर दिया। अपील में स्टे के लिए लगा है, अभी स्टे मिला नहीं है। इसी बीच में अष्टम अपर जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ से शासन PWD के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी हो गया। कुर्की वारंट के दौरान नजारत के न्यायालय से कुछ कर्मचारी गए और प्राइवेट वाहनों को उठा लाए, जबकि जो शासन का आदेश था कि शासन की संपत्ति की जाए, वो न समझ के प्राइवेट 3 वाहन उठा लाए हैं, जिसकी मेरे आवेदन न्यायालय में अष्टम अपर जिला न्यायाधीश के यहाँ लगा दिया है और अभी वो गाड़ियाँ सब छूट जाएंगी। कुल मिलाकर ये न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको ठेकेदार का जो पैसा है उसको वसूली की जाए उनके शासन संपत्ति विभाग से। हाँ, तो वो प्राइवेट गाड़ियों को उठा लाए या फिर शासकीय गाड़ियाँ नहीं मिली। हाँ सर, कितने की बकाया राशि थी उनकी, जितने काम के लिए, लगभग 1 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है? लगभग 40-45 लाख का था, हमको ज़्यादा बिछाड़िया अभी है नहीं, एक्चुअल हम नहीं बता सकते क्योंकि फाइल मेरे सामने है। और कहाँ से नहीं मिली थी कुछ वहाँ इसी प्राइवेट गाड़ी पर लेके विवाद की स्थिति भी नहीं देखो कुछ उसके बाद इसके बारे में हम कोर्ट की बातें जानते हैं, वहाँ क्या हुआ मुझे ये वही